आपकी फेवरेट गाड़ी चाहे कोई सी भी हो, फिलहाल में अवेलेबल प्राइस से कम रेट में आपको मिल जाए तो कैसा हो। तो कुछ ऐसी ही कमाल की रणनीति को फॉलो करते हुए देश की इस पॉपुलर गाड़ी के दो नए एंट्री लेवल वेरिएंट लाने वाली है। और ये कंपनी यहाँ पर प्राइस सेगमेंट में जहाँ पर फिलहाल अवेलेबल अपने पॉपुलर एसयूवी से इनका प्राइस तो कम रखने ही वाली है, साथ ही इनमें सनरूफ का शानदार फीचर्स देने वाली है जो इसके मेन कंपटीटर टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेजा को तगड़ी टक्कर देने वाली है। हालांकि ये तो डिपेंड करेगा कि कंपनी अपने इन एंट्री लेवल वेरिएंट को फिलहाल में अवेलेबल बेस वेरिएंट से भी कितने कम प्राइस में मार्केट में लॉन्च करेगी। और अगर इसमें कुछ तगड़ा होता है तो नेचुरली इस कंपनी को काफ़ी तगड़ी ग्रोथ यहां पर मिलने वाली है, क्योंकि लुक वाइज ऑलरेडी ये गाड़ी काफ़ी अल्ट्रा एडवांस है। और लुक वाइज ही नहीं, फीचर्स वाइज इंटीरियर कहें या फिर एक्सटीरियर कहें, काफ़ी शानदार आपको इसमें मिलते हैं। और यहां पर किया मोटर्स अपनी इस एंट्री लेवल की गाड़ी को दो नए वेरिएंट में अवेलेबल करेगी, प्राइस भी कम होगा, सनरूफ के अलावा अन्य शानदार फीचर्स भी होंगे, पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शंस होंगे, HTE ऑप्शनल और STK ऑप्शनल। और दोनों ही वेरिएंट में जो सनरूफ है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, साथ ही STK ऑप्शनल में LED कनेक्टेड टेल लैंप और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में रियर डिफोगर जैसे सभी फीचर्स मिलने वाले हैं। फिलहाल में किया कि ये गाड़ी 7 वेरिएंट में आती है, 1.2 लीटर NA यानी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन। इन इंजन को 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है। और सोनेट के इन वेरिएंट का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेजा जैसे मॉडल से होता है। फीचर्स काफ़ी शानदार हैं, इसमें उल्टे एल शेप्ड LED DRL, मॉडिफाइड फ्रंट फेशिया, न्यू डिज़ाइन वाले LED हेडलैम्प, नए LED फॉग लैम्प, इंटीरियर में न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल 1 का एडास सूट, नए एयरकॉन पैनल, वॉइस कंट्रोल विंडो फंक्शंस। सेफ्टी के लिहाज से भी ये SUV बेहद खास है। इसमें एडास पैक में आपको मिलते हैं शानदार सेफ्टी के फीचर्स, फॉरवर्ड कोलाइजन वार्निंग, लैंड डिपार्चर वार्निंग और कोलाइजन अवॉइडेंस असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स। स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग हैं, साथ में हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी हैं। और आप इसे 11 कलर ऑप्शंस में परचेज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर इन नए मॉडल्स के लॉन्च होने के बाद में सेम सेगमेंट में मार्केट की दो मोस्ट पॉपुलर कंपनियां टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी भी एक तगड़ा अपडेट करने वाले हैं। और शायद उसे देखने के बाद आप अपना प्लान चेंज कर दें न्यू कार परचेज करने का और आप इन्हीं गाड़ियों को परचेज करना चाहें। और इसमें फर्स्ट गाड़ी मारुति सुजुकी की काफ़ी कमाल की होने वाली है। और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में मारुति एक ऐसी गाड़ी लाने वाली है जो 7-सीटर सेगमेंट में खुद मारुति की मोस्ट पॉपुलर अर्टिका को भी भुला देने वाली है। और मारुति की ये 7-सीटर गाड़ी लुक वाइज भी काफ़ी शानदार है, क्योंकि इसका डिज़ाइन क्रॉसओवर टाइप में है। इसमें 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल का ऑप्शंस है, साथ में CNG का ऑप्शंस भी होने वाला है। और इसमें AMT और MT दोनों ही ट्रांसमिशंस हैं, 5 स्पीड का जैसे मारुति के अन्य प्रोडक्ट में आता है, नॉर्मली इंजन ऑप्शंस है, प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स भी इसमें हैं, ड्यूल एयरबैग, EBD, ABS, रियर पार्किंग सेंसर, साथ ही इसमें मिलेंगे ड्यूल कैमरा के साथ में हिल होल्ड कंट्रोल जैसे शानदार फीचर्स। और जेटा और एल्फा दो वेरिएंट में ये गाड़ी आने वाली है। और इस गाड़ी को मारुति अपने नेक्सा डीलरशिप पर सेल करने वाली है, फीचर्स लेवल पर काफ़ी प्रीमियम और शानदार गाड़ी जो मारुति के नियरेस्ट कंपटीटर किया मोटर्स की कैरेस को भी काफ़ी तगड़ा कंपटीट करने वाली है। और मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि अपने लुक में और ख़ास तौर से प्राइस लेवल पर ये टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा को भी तगड़ा कंपटीशन देकर
उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि इनोवा क्रिस्टा के प्राइस के तो आप जानते ही हैं, तो उससे काफी कम बजट में मारुति अपनी शानदार गाड़ी को लाने वाली है। लुक वाइज एक्सल 6 से भी शानदार और कंफर्ट वाइज अर्टिका से भी बेटर होने वाली इस गाड़ी में आपको पैसेंजर के लिए सेकंड रो में भी एसी वेंट्स मिलने वाले हैं, थर्ड रो तक आपको भरपूर स्पेस मिलेगा और हर रो में आपको कप होल्डर्स के साथ में 12 वोल्ट का यूएसबी चार्जर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सबसे बड़ा पॉइंट्स होगा इनोवा से सीधा इसका हाफ प्राइस होना, यानी आधे दाम में आपको फील देने वाली है इनोवा का शानदार। और इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ, कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट जैसे ढेरों फीचर्स मिलने वाले हैं और इसमें आपको लेदर अपहोलिस्ट्री भी मिलेगी। और सबसे गजब की बात यह है कि जहां पर ये गाड़ी मार्केट में किया कैरेंस और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को कम्पिटिट करने वाली है, साथ ही अपनी ही अर्टिका पर भी भारी पड़ने वाली है, यानी सीधे सीधे अर्टिका के सेल को भी यहां पर ये प्रभावित करने वाली है। एक्सटीरियर जहां पर काफ़ी शानदार है और साथ ही थर्ड रो तक मोस्ट कंफर्टेबल स्पेस इस गाड़ी का प्लस पॉइंट होने वाला है। और इंटीरियर में अन्य फीचर्स की बात करें तो आपको ORVM कंट्रोल स्विच बिल्कुल एक्सल 6 जैसे मिलने वाले हैं, डोर पर मिलने वाली फिनिशिंग डैशबोर्ड भी काफ़ी शानदार है, इंटीरियर पर आपको ग्लासी फिनिश मिलने वाली है, इसके अलावा डैशबोर्ड पर मिलने वाले दूसरे एलिमेंट जैसे कि कूल ग्लो बॉक्स, AC कंट्रोल, USB पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग फैसिलिटी, साथ ही 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीटें और हीटेड और वेंटिलेटेड सीटों का फंक्शंस इस गाड़ी के कंफर्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। और यहाँ पर इस गाड़ी में जहाँ पर भरपूर स्पेस है वहाँ पर सभी पैसेंजर के लिए सेफ्टी बेल्ट और एयरबैग भी दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर मारुति सुजुकी द्वारा अपने पोर्टफोलियो के विस्तार किए जा रहे में नए प्रोडक्ट में ग्रैंड विटारा के बाद में ये काफ़ी धाकड़ और आप कह सकते हैं फीचर्स वाइज और लुक वाइज काफ़ी शानदार प्रोडक्ट होने वाला है। तो आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, अगर आप खास तौर से अर्टिका प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट स्पेसियस, कंफर्टेबल, फीचर से फुल और लुक वाइज भी काफ़ी शानदार ये मारुति की न्यू प्रीमियम 7-सीटर होने वाली है। इसके बाद टाटा मोटर्स अपनी एक लाने वाले हैं एक शानदार 7-सीटर और सेम टू सेम इस सेगमेंट में आने वाली सभी गाड़ियों की तरह मोस्ट कंफर्टेबल स्पेस के अलावा इसे मिड बजट रेंज में लॉन्च किया जा रहा है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मीडिया पर या अन्य सोर्स से अपडेट हो रही है उसके अनुसार 7-सीटर सेगमेंट में ये टाटा मोटर्स की मोस्ट अफोर्डेबल MPV होने वाली है, जो खास तौर से 7-सीटर परचेज करना चाहते हैं और टाटा के प्रोडक्ट को परचेज करने का जिनका विचार है सेफ्टी वाइज भी, तो उनके लिए काफ़ी शानदार होगा और हम भी इसका वेट करना चाहेंगे। और इसके बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो चैनल को दोस्तों अभी से सब्सक्राइब करके रखें। वैसे अगर आप न्यू 7-सीटर परचेज करने वाले हैं तो हाल फिलहाल में अवेलेबल किया कैरेंस, मारुति सुजुकी अर्टिका, रेनो ट्राइवर या फिर प्रीमियम सेगमेंट में इनोवा क्रिस्टा परचेज करना चाहेंगे या जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने वाली किया की न्यू MPV और मारुति और टाटा की लॉन्च होने वाली न्यू MPV में से किसे परचेज करने का प्लान है कमेंट्स में अवश्य लिखिए। और अगर आप यूज कर रहे हैं फिलहाल में किसी ब्रांड की कार और उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप डिटेल से लिखिए अपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी आप फील करते हैं अपने व्हीकल्स के बारे में, जो भी उसके प्रोज और कॉन्स हैं। और अगर आप चैनल पर आकर लाइवली वीडियो के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, पर्सनली आपके पास विजिट की जाएगी और आपकी इन्फॉर्मेशन को सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया जाएगा एक्सपीरियंस के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।